डायरेक्टर फ्रॉम मुंबई से। और आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, आज हम सप्लीमेंट्स के बारे में, कुछ पॉजिटिव वे में कुछ रिजल्ट आया है वो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और किस तरह से ये सप्लीमेंट्स हमारा काम किया है उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, जितने पॉजिटिविटी से हम प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं, लोगों को देते हैं, और उतनी ही एक्सपेक्टेशन भी करते हैं कि उतना बेस्ट रिजल्ट आए, इसके लिए हम 100% सप्लीमेंट्स में डील कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ कौन है, आज हमारे साथ एक बहुत ही ग्रेट लीडर है, तो आप उनसे ही सुनेंगे कि उनको क्या एक्सपीरियंस उनका हुआ है और किस तरह से उनको रिजल्ट आया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसमा ताइश है, मुंबई से सिल्वर डायरेक्टर लेवल पर हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। 5 साल से हम लोग ये जो मेरा परेशानी थी वो वेस्टीज में आकर अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 महीने में कवर किया है मैंने। पहले तो स्टोन की प्रॉब्लम से परेशान थी, और फिर PCOD हो गया था मुझे, तो उसकी वजह से मेरे 2 बार मिसकैरेजेस हुए। एक बार 6 महीने में मेरा बेबी लॉस हुआ, बेबी गर्ल थी वो। उसके बाद एक दिन अचानक मेरी भाभी, जो ये डायमंड डायरेक्टर है वो भाभी लगते हैं, एक दिन उनका अचानक फ़ोन आया मुझे, तो वो मिलने आने वाले थे। तो मैंने उनको बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला मैं आती हूँ। वो आए, उन्होंने आकर मुझे स्टोन के लिए, पहले तो मेरे किडनी स्टोन के लिए उन्होंने मुझे सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए। तो मैंने नोनी फ्लैक्स कैल्शियम और किडनी हेल्थ ये स्टार्ट किया उन्होंने मुझ पर। उसके बाद में मुझे विद इन 10 डेज रिलीफ हो गया, जो पेन से मैं रोज पेन किलर्स खा रही थी, विद इन 10 डेज मुझे एकदम आराम हो गया। उसके बाद फिर ऐसे ही 1-2 महीने में फिर उनको मैंने बताया कि ऐसा मुझे फिर PCOD की प्रॉब्लम है, और इतनी ब्लीडिंग होती थी कि 2-2 महीना नहीं रुकती थी, 1-1 महीना। डॉक्टर्स के पास तो लाखों रुपए हमने खर्चा कर दिए, एक विजिट पर 3-4 हज़ार रुपये लगता ही था उनके पास, और फिर इंजेक्शन अलग, बहुत परेशानी थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये इसमें से ही करा, वेस्टीज में से ही मुझे वो PCOD का पूरा ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया। यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर ने तो 2 डॉक्टर ने यूटरस रिमूव करने के लिए बोल दिए थे, अब ना माँ बेबी हो ही नहीं सकता तुमको। फिर भी मैंने ठीक है करके, फिर भाभी ने मुझे ये जो रिकमेंड किए, नोनी फ्लैक्स फूड पैच आयन कैल्शियम शतावरी, सारे सारे सप्लीमेंट मैंने कंटिन्यूस 2 मंथ्स मैंने लिया, तो मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए, जिस प्रॉब्लम से मैं 4-5 साल से हम लोग परेशान थे। 2 महीने में पीरियड्स नॉर्मल हो गए, 3रे महीने में कंसीव कर लिया मैंने, और उसके बाद में 9 मंथ भी मैंने कोई दूसरी जो डॉक्टर्स की रिकमेंड की हुई मेडिसिन को हाथ नहीं लगाए, और सारे अपने वेस्टिज के सप्लीमेंट सिखाए थे मैंने। हाँ फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि आसमा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उसका जो बेस्ट रिजल्ट है हमारे हाथ में, ये उनकी बेबी आयत, और बहुत ही प्यारी बेबी है ये, ये भी पोज दे रही है अपना, तो ये हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट है। थैंक यू सो मच, कम एंड जॉइन अस।